हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। देख सकते हैं कि मेरे साथ मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर रुद्र प्रताप सिंह। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ट्रेलर पे इतना प्यार दिखाने के लिए। और देखिए, आपने रुद्र ने बाल भी कटा लिए, दाढ़ी भी थोड़ी बहुत ट्रिम करा ली है, अब ये गुंडा नहीं लग रहा है। लेकिन प्लीज इसकी भोली शक्ल पे ना जाए, गुंडा ही है ये। आज हम लोग जा रहे हैं मेरे गाँव हिंगोनिया, ठीक है? तो वहाँ पे काफी इंजॉय करने वाले गाँव। अरे क्या हो गया रुद्र? चौक गया भाई, चौक गया। भाई कहाँ चल रहे हैं? हिंगोनिया। नहीं यार, अबे ये रहा, यहीं पास में ही है। अच्छा, मुझे लगा क्या कर रहा था। नहीं भाई, पास में ही, यहाँ से मात्र 15-20 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, हाँ तो फालतू में टेंशन में आ गया रुद्र, ऐसी कोई बात ही नहीं। हाँ, किडनैप कर लिया। हाँ, इसने लगा कि फिर से किडनैप हो गया आज। आज हो गया। प्रॉपर पैनिक के हिसाब से किडनैप था ये तो। नहीं नहीं, कहीं नहीं, दूर नहीं जा रहे अपन लोग, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं हिंगोनिया मेरे गांव, और वहाँ जाके करेंगे बहुत एंजॉय, गांव की जिंदगी जिएंगे। तो हमारे गांव में वहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल है, तो वहाँ पे जाके कुछ बातचीत करनी है हमको स्टूडेंट से। तो क्या बातचीत करनी है वो आपको वहीं जाके पता चलेगा। पूरा पसर के लेटा हुआ है साला। अरे अरे, अबे खाना गिर जाएगा खा ले। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका रुद्र डॉन, आपके बाप गुंडा गुंडा। सॉरी सॉरी, अब इन्होंने मुझे घर से उठाया, बोला रुद्र भाई 10 मिनट का रास्ता है, अपन ऐसे पहुंच जाएंगे ऐसे ना। ठीक है भाई। हाँ भाई कार्तिक, कितनी देर हो गई अपन को चले हुए? एक सिंधी हो, कितनी देर हो गई अपन को चले हुए? एक घंटा हो गया अपन को। रुद्र, एक घंटा हो गया अपन कहाँ पहुंच रहे बंसी भैया? ऐसे रुद्र हिंगोनी चल रहे भाई, तो एक घंटा लगेगा। रुद्र भाई सुनो भाई, आया तो तेरी मर्जी से, जाएगा हमारी मर्जी से। बंसी जी यार, बंसी का फेवरेट डायलॉग है, हर बार बोलते हैं। यार क्या हो गया, इधर से सदमा लग गया है। तो का यार आते अपनी मर्जी से, लोग भाग जाएंगे तो हमारी मर्जी से ना। क्या हो गया रुद्र? अरे क्या हो गया भाई यार, तुम सच्चाई कहते तो आता क्या कार्तिक? सच बोलते तो आता की हम लोग फाइनली जो है यहाँ पे हॉस्टल और कॉलेज में पहुँच गए हैं, काफी मजा आएगा। अब भाई कहाँ लेके आ गया तू हमें? क्या है पागल है तू, कहाँ लेके आ गया? पीछे एक बार व्यू दिखाऊं, देख इधर देख, ये खेत ही खेत है यहाँ पे तो चारों तरफ। ये देखिए गाइस, स्ट्रॉन्ग रूम। चेतन भैया ये क्या है? प्रिंसिपल रूम कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रूम है, ये तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, लेकिन वो ऊपर स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मोटिव क्या था यहाँ आने का। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से मैंने बातचीत करी इस बारे में कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग कितनी इंजूरियस है अपनी हेल्थ के लिए, और अपन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसे क्या क्या नुकसान है। क्योंकि दिखने में बहुत कूल लगता है, सब लोगों को लगता है, जैसे मेरे ट्रेनर के अंदर मैंने दिखाया था करते हुए, तो बहुत लोगों के मैसेज आए कि यार क्या तगड़ा सीन है, बहुत मज़ा आ गया देख के, तो सब उसे कूल मानते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है, और आप जब मूवी को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगी वो बात, तो उसको भी ज़रूर देखें। अभी हमारे दोस्त जो है पानी पताशी खाने गए हैं, उनसे पागल हो गए ना दोनों, क्या करें, खाने की इच्छा हो रही, खाने दें इनको। हाँ भाई मज़ा रहेगा तुमको, हमारे कॉलेज की कैंटीन में खाना खा के। इतने हमारा ब्रदर कार्तिक भारद्वाज स्कॉर्पियो लेके निकल गए, और हम इनकी टिकट भी चलते हैं। चलिए चेतन भैया, हम भी अपनी हाल डेवर्सन लेके आ रहे हैं। ये हमारे स्कॉर्पियो राइडर मान्य भाई। हाँ कार्तिक, अपन कहाँ पहुँचे अभी? अभी अपन चेतन भैया के घर पे हैं, वो पीछे खड़े हैं चेतन भैया, और ये मेरे ताऊजी हैं। नमस्ते अंकल, क्या खा रहे हो? अच्छा मूली, मूली खा रहा हूँ। क्या बात है, ऑर्गेनिक मूली है या पीछे खेतों? पीछे खेत में ही है ना, है क्या? लो खिला दो, आप खिला रहे हो तो यार चलो अंदर चलते हैं, अभी आते हैं इनसे मिलके, फिर चलते हैं, आपसे भी खाएंगे मूली भी खाएंगे आपकी। चाहे ऋषि आ जा, चलिए। A few moments later. भाई चल भाई घर चलते हैं। भाई यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा तो घर चलो, भी पकड़ के लेके जाऊँगा। तुम पागल है क्या? काम कर रहे हो कुछ यार? कर लिया काम यार, तुम तो 2-3 बजे आते हो। फिर वहीं कर लेना जयपुर। यार ये जो है ना, इसको हम बोल के आएंगे, हम पास में ले जा रहे हैं, उसको यहाँ ले आएंगे नहीं उठा के। कितनी बजे दिक्कत ये है ना, उसको फोटो अभी भेजनी पड़ेगी, तब जाके वो हमें वहाँ जयपुर पहुंचने से प्रिंट आउट निकाल लेगा, इसलिए करो फिर जल्दी करो। उसको खुद को देखने के बारे में पागल हो गया भाई।
छोड़ दे भाई अब मुझे घर, छोड़ तो रहा हूँ और कैसे छोड़ते हैं, बकरियाँ आ गई सामने, अब क्या करें, बकरियाँ भी इस समय आई है यार भाई, जल्दी चल ले यार भाई, इतना दूर है मेरा घर यहाँ से, बहुत दूर है, बहुत दूर है मेरा घर, तो बंसिया को वहीं छोड़ दो, पहले इसको बोलने, चुप रहे, इसको बोलने से पहले सीट बेल्ट है तुम दोनों की, ये बनेगा भाई, मैं तो फुल सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ, देख लो भाई सारे के सारे फुल सेफ्टी। तो गाइस फाइनली हमने रुद्र को उसके घर छोड़ दिया है, पर अब हम लोग जा रहे हैं एक म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड करने दर्शन के साथ में, तो काफी मजा आने वाला है, म्यूजिक तो हम आपको नहीं सुना सकते लेकिन आपको दिखाएंगे वहाँ के बिहाइंड द सीन्स। और आप सभी के सामने बहुत अच्छी और उम्दा किस्म की जो है एक मूवी एक लेके आ रहे हैं। तो गाइस अभी हमने जो है दर्शील का गाना शूट किया था और अभी हम आए हैं हमारे कुछ दोस्तों से मिलने, दर्शील बताइए जरा। ये हमारे भाई रिंकू भैया जी, हाय भाई दर्शील, कार्तिक कैसे हो तुम? ये है दिलखुश भैया, ये है अपने संजय भैया, ये कौन, सतीश भैया, सतीश जी भैया, ये है, ये भी संजय भैया है, सरपंच है, ये अपने रवि भैया, राम राम। सो राम राम भाइयों, अभी हम आए हमारे और वीर सैनानियों से मिलने के लिए, अटल भैया ये पीटीआई है, राम राम, ये ऋषभ भैया ये मेडिकल स्टूडेंट है, ये इनके भाई अंकित भैया ये मेडिकल स्टूडेंट है, निहाल भैया ये मेडिकल स्टूडेंट है, ये अभिषेक भैया ये कबड्डी प्लेयर है, वो पीछे नवल भैया जो कि है आरएएस राजनीति, राजनीति ये अपने कार्तिक के भाई पायलट का फैन वो है, और जो को पहले मिले थे नवल भाई, नवल भाई रेलवे ड्राइवर है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7, मैं और कार्तिक उठ चुके हैं अभी, तो सामान वामान अरेंज कर रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं वापस कार्तिक के लिए, निकलेंगे यार ब्रो। सो गाइस रात भर हमने की थी एडिटिंग, तो अब कार्तिक कॉफी पी के निकले, कॉफी पी ली मैंने, ठीक है तू पी ले तेरी रखी हुई है अभी, तो गाइस कॉफी पीते हैं। गाइस तो आज शाम को 8 बजे तक जो है मूवी आ जाएगी, वैसे तो ये व्लॉग में बाद में डालूंगा, तो अपलोड हो चुकी है मूवी, तो मेरे को इस व्लॉग में कमेंट करके बताएं मूवी कैसी लगी और मूवी को भी लाइक करें, ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।